बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से वकास नसीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया आप हमारी पास की वीडियोस को जिस तरह से लाइक करते हैं, सेम लाइक दैट। आज भी मैं आपकी खिदमत में एक नए और शानदार वीडियो के साथ हाजिर हूँ। राइट नाउ मैं बहरिया टाउन लाहौर सेक्टर सी के जैस्मिन ब्लॉक के 60 फीट रोड के एक कॉर्नर हाउस के सामने खड़ा हूँ, जो कि सेलिंग के लिए मौजूद है। इस 60 फीट रोड के ब्रांड न्यू कॉर्नर हाउस में हम हर रूम को जो है इंडिविजुअली विज़िट करेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे हर रूम में एसी इंस्टॉल है, प्लस इसकी जो बेसमेंट है वहाँ पर एक थिएटर सिनेमा है, और उसके बिल्कुल साथ में जो है बैक साइड पर जिम है, जिसे आप एज ए स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। हर जगह हर रूम में आपको इसकी एसी की इंस्टॉलेशन नज़र आएगी, प्लस इसका मटेरियल और जो भी इसमें वुडवर्क यूज़ हुआ है, आई कैन टेल यू के ईच एंड एवरीथिंग ए प्लस क्वालिटी का है, जो कि आप बहरिया टाउन लाहौर के किसी भी एक किनार को घर को अगर आप विज़िट करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी परचेज़र के लिए ये एक किनार का जो घर है ड्रीम हाउस की हैसियत रखता है। आइए विज़िट करते हैं बहरिया टाउन लाहौर सेक्टर सी के जैस्मिन ब्लॉक के इस कॉर्नर हाउस को हम। जी व्यूअर्स, इस एक किनार के घर की बिल्कुल एंट्रेंस पर आप देखते हैं कि मेरे बैक साइड पर खूबसूरत पार्क है, और किसी भी आप कॉर्नर घर को अगर देखते हैं तो वेंटिलेशन के लिए कॉर्नर घर जो है एक बहुत ज़्यादा आइडियल कंसीडर होता है। तो आप ये देख सकते हैं खूबसूरत, ये मेरे बैक साइड पर गार्डन है, लॉन है एक छोटा सा, और उसके अलावा ये जो है कार्स की पार्किंग के लिए जगह है। यहाँ पर आप दो कार्स या तीन कार्स भी अगर चाहें तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, एंट्रेंस पर लॉन और कार एरिया के बाद अब हम विज़िट करेंगे इसके ड्राइंग डाइनिंग लोअर पोर्शन के बेडरूम्स, देन उसके फिर हम बेसमेंट विज़िट करेंगे, और बेसमेंट के बाद हम इसके अपर पोर्शन एंड देन रूफ टॉप टेरेसेस, ये तमाम तरह चीज़ें विज़िट करने के बाद हम इसकी लोकेशन और फाइनली प्राइस को डिस्कस करेंगे। आइए हम इसके इनसाइड के भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं।
किचन के कॉर्नर में एक साइड पे जो है ये ओवन्स और उसके बिल्कुल साथ में जो है फ्रिज इंस्टॉल है। अच्छी क्वालिटी के जो है माइक्रोवेव ओवन्स एंड देन उसके साथ ये आप फ्रिज देख सकते हैं और देन इसके बिल्कुल साथ में एक पार्शियल किचन जो है वो भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ उसमें अगेन जो है ओवन इंस्टॉल है प्लस सिंक है। यहाँ से सीधा रास्ता अगेन जो है बाहर स्ट्रीट की तरफ निकलता है और जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं इसके बिल्कुल साथ घर की बैक साइड पर भी एक गेट है जिसका एग्जिट यहाँ से है। किचन के बाद हम लोअर पोर्शन के दोनों बेडरूम्स विजिट करेंगे। एक ये बेडरूम है और बिल्कुल इसके एक ऑपोजिट साइड पर बेडरूम है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट जो है वुडवर्क किया गया है। बैक साइड पर आप वॉलपेपर देख सकते हैं। हर रूम में आपको एसी इंस्टॉल मिलेगा और देन इसका जो अटैच बाथ है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स लगी हुई हैं इसमें जो सैनिटरी लगी है ये बहरिया में किसी भी घर में यूज़ होने वाले जो एंड यूज़र अपने लिए बनाता है हर तरह से ए प्लस कैटेगरी का इसमें जो है मटेरियल यूज़ किया गया है। इस बेडरूम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर दूसरा बेडरूम है जो आप विजिट करेंगे। डिस्टेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हर बेडरूम में एसी इंस्टॉल है। हर बेडरूम की आप देख सकते हैं कि अच्छी सीलिंग लगी हुई है। हर बेडरूम में आप देख सकते हैं कि वुडवर्क है उसकी रूफ़ पर सीलिंग अच्छी है उसमें लाइट्स जो यूज़ की गई हैं। और इस बेडरूम में एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें साथ में जो है अलहदा से कंपैरेटिवली दूसरे बेडरूम की नस्बत इसके वॉशरूम में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाथटब आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स
स्टेयर्स लोअर पोर्शन पर पेड रूम के बिल्कुल साथ जो है स्टेयर्स जाती हैं बेसमेंट में, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वो बाद में हम विज़िट करेंगे। आइए भी हम चलते हैं बेसमेंट की जानिब। राइट नाउ व्यूअर्स, हम बेसमेंट में मौजूद हैं और इसका सिनेमा थिएटर और जिमनेजियम विज़िट करवाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये विज़िट करने पर आपको आइडिया होगा कि किसी भी एक कैनाल हाउस परचेजर के लिए हर तरह से ये जो है ड्रीम होम है, जिसमें आप अभी देखेंगे सिनेमा थिएटर में भी कि किस कदर खूबसूरती के साथ और कितनी एहतियात के साथ जो है इसको जो है डेकोरेट किया गया है। बेसमेंट में पहले आपको मिलता है सिनेमा थिएटर। ये प्रोजेक्टर भी है यहाँ पर, लाइक सोफ़ाज हैं, एसी लगा हुआ है, फैंस लगे हुए हैं। और ये सामने जो है प्रोजेक्टर के बाद ये आपके लिए स्क्रीन है जहाँ पर आप कोई भी मूवी वगैरह अगर फैमिली के साथ देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा साउंड सिस्टम है यहाँ पर, सब कुछ आपको इंस्टॉल मिलेगा इसमें। इस कॉर्नर वन किनाल के लग्जरी हाउस का आप सिनेमा थिएटर भी विज़िट कर रहे हैं और इसकी बैक साइड पर जो है जिम के लिए ओपन स्पेस है। आइएगा प्लीज़, ये जिम दिखाइएगा। सिनेमा थिएटर के बिल्कुल बैक साइड पर ये जो है जिम के लिए एक ओपन स्पेस दी गई है, जिसे आप एज ए स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा रूम है ये, बेसिकली कंसेप्ट तो इसे किसी भी एक किनाल घर में जिस तरह से जिम का दिया जाता है उसी तरह से दिया गया है कि यहाँ पर आप ला कर अपना वेट वगैरह रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस शानदार एक किनाल के घर के लोअर पोर्शन और बेसमेंट के बाद अभी हम अपर पोर्शन विज़िट करेंगे। आपने देखा लोअर पोर्शन में दो बेडरूम्स थे, इसके अपर पोर्शन में जो है किसी भी एक किनाल का घर अगर आप विज़िट करेंगे तो उसमें तीन बेडरूम्स होते हैं। तो आइए भी विज़िट करते हैं इसका हम अपर पोर्शन। अपर पोर्शन में टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ में जो है राइट लेफ्ट दो बेडरूम्स हैं जिनसे अटैच बाथ हैं, हम पहले उन्हीं को विज़िट करेंगे। आइए प्लीज़। इस बेडरूम के बिल्कुल साथ में जो है आप टेरेस भी देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया था कि बारबेक्यू अगर फैमिली ने करना हो तो ओपन एरिया के लिए बहुत आइडियल जो है ये टेरेस है। रूम के इनसाइड आप देख सकते हैं, इसमें ये जो दरवाजे हैं लकड़ी के, किसी भी तरह से हर तरह से ये पायदारी है इनकी। इसमें अगेन ये आप देख सकते हैं कि जो वार्डरोब्स हैं इनमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं लाइक ड्रायर्स या उनके जो विंजेस वगैरह होते हैं हर तरह से बेहतरीन क्वालिटीज़ में जो यूज़ की गई है। अटैच बाथ आप इसके साथ देखेंगे रूम के।
और अगेन इसी के साथ ऑपोजिट साइड पर बिल्कुल एक और बेडरूम है, उसका आप जो विज़िट करेंगे उसका वॉलपेपर बैक साइड पे, और उसका भी आप जो है वॉशरूम विज़िट करेंगे। हर बेडरूम में आप डिफरेंट वॉलपेपर देखेंगे, और बारह मैं अपनी बात को रिपीट करूँगा कि हर बेडरूम में हैं आप, चाहे बेसमेंट में हैं, जिम रूम में हैं आप, या फिर सिनेमा थिएटर में, हर जगह आपको एसी की इंस्टॉलेशंस जो है नज़र आएंगे। हर बेडरूम में खूबसूरत सीनरी लगी हुई है, और थीम भी जो है हर बेडरूम के साथ वॉशरूम का वो आपको चेंज मिलेगा। खूबसूरत कलरिंग के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ जो है हर बेडरूम, हर वॉशरूम और उसका जो है वर्क इस घर की खूबसूरती में इजाफा करता। इस वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि इसमें भी वार्डरोब्स जो हैं लगी हुई हैं। अपर पोर्शन के दो बेडरूम्स के थर्ड बेडरूम विजिट करने से पहले मैं आपको टेरेस दिखाना चाहूँगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ओपन एरिया में आप बारबेक्यू भी फैमिली के साथ कर सकते हैं। स्टेयर्स चढ़ते साथ ही इसके बिल्कुल साथ में जो है एंट्रेंस है टेरेस की, और कंपैरेटिवली ये काफ़ी बड़ा टेरेस जो है ओपन एयर आपको मिलता है। ये सामने जो आप ओवन देख रहे हैं इसमें गैस है, प्रॉपर ओवन इंस्टॉल है, कुछ भी नहीं आपने करना, जस्ट बारबेक्यू आपने अपना स्टार्ट करना है। अभी डे लाइट होने की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग कम नज़र आ रही होगी, जबकि इस घर में जो है हर जगह लाइट्स इंस्टॉल हैं, और शाम के टाइम में भी, रात के टाइम में हर टेरेस अपने आप में एक बेमिसाल लुक देता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेरेस के बिल्कुल साथ अगर आप छत पे जाना चाहें तो यहाँ से स्टेयर्स का रास्ता भी जो है दिया गया। अपर पोर्शन में आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत नहायत नायाब फनूस जो इंस्टॉल हुआ है, और इसके बिल्कुल साथ में जो है अभी आपने टेरेस देखा था, और टेरेस के बाद अभी हम आपको थर्ड बेडरूम विज़िट करवाएँगे, जहाँ पर इसके साथ में आ जाएगा तीसरा टेरेस। जो मैंने आपको बताया था कि तीन टेरेस हैं यहाँ पर, दो टेरेस आप ऑलरेडी जो है विज़िट कर चुके हैं, इस रूम के साथ अगेन जो है थर्ड टेरेस है, जहाँ से आप अगेन बिल्कुल मेन बुलीवर्ड पर सारे व्यूज देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसमें भी वॉलपेपर जो इंस्टॉल है। नहाय डिसेंट, नहाय शानदार जो है वॉलपेपर इसमें भी इंस्टॉल किया गया, और इसके साथ ही वॉशरूम आप जो है बेडरूम का, और इसी बेडरूम के साथ आप जो है वॉशरूम विजिट करेंगे, और देन इसमें टेरेस हम आपको दिखाएंगे। Thank you.
और यहाँ से बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट जाएँ तो स्ट्रेट पर जाकर स्टेयर्स आती हैं जो कि हमें रूफ टॉप पर ले जाती हैं, और वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि दो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं वहाँ पर, जिसका के बैक साइड से जो है उसकी एक्सेस दी गई है। राइट, आइए भी हम विज़िट करते हैं। स्ट्रीट में भी आप देख सकते हैं खूबसूरत ये जो हैं गमले पड़े हुए हैं। स्ट्रीट से होकर आने के बाद यहाँ पर जो है ये स्टेयर्स हैं जहाँ पर एक्सेस है, मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि रूफ टॉप के ऊपर सर्वेंट क्वार्टर की, दो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं वहाँ से, और यहीं पर सीधा जो है घर की बैक साइड पर एक गेट है जहाँ से आप अगेन एग्ज़िट कर सकते हैं। चलेंगे ऊपर रूफ टॉप पर सर्वेंट क्वार्टर्स की जानिब। अभी हम जो है रूफ टॉप पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया था दो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, तो ये मेरी बैक साइड पर एक सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा सर्वेंट क्वार्टर है जिसका अटैच्ड बाथ है, और आप इसको एज ए स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आप देख सकते हैं कि इसके सराउंडिंग्स में मैक्सिमम घरों की कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही होगी, वो सामने जो है सारा कमर्शियल एरिया है, प्लाजास हैं, मार्ट्स हैं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिलते हैं। मज़ीद है कि बहरिया की बड़ी जामिया मॉस्क भी जो है आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी छत से। जैस्मिन ब्लॉक सेक्टर सी बहरिया टाउन के खूबसूरत तरीन ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक है जहाँ पर आप ये शानदार एक किनार के घर का विज़िट कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, इस वीडियो के सबसे अहम पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, और डेफ़िनेटली वो प्राइस के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो इस शानदार एक किनाल घर की प्राइस बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एक किनाल प्लॉट, अगर कोई कॉर्नर है इस लोकेशन में 60 फीट रोड प्लस कॉर्नर, तो इस लोकेशन में एक किनाल प्लॉट की सिर्फ प्राइस ही तकरीबन 2 करोड़ 15 से 2 करोड़ 20 लाख तक उसकी प्राइस है। राइट, और मज़ीद मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि हम हर घर की वीडियो नहीं बनाते, जिस घर के मटेरियल, लोकेशन और प्राइस के साथ हम मुतमिन होते हैं वही चीज़ आप तक हम डिलीवर करते हैं। तो इस शानदार घर की जो प्राइस है वो है 5 करोड़ 85 लाख रुपए, जिसमें स्लाइटली निगोशिएट है, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बात यह है कि डायरेक्ट आपकी ऑनर के साथ जो है मीटिंग करवाई जाएगी फेस टू फेस। जी व्यूअर्स, इस शानदार एक किनार कॉर्नर हाउस का किसी भी टाइम आप विजिट करना चाहें, या बहरिया टाउन में आपको कोई भी अच्छा 5 मरला 10 मरला या एक किनार के घर की अगर तलाश है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इट्स +9232111727227। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.upn.com। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।